Computer is an electronic device which takes input and output. Yes, and output. Then processes the input. And gives a desired output. इसका काम होता है वही भी कंप्यूटर वीडियोस ठीक है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इट टेक्स इनपुट देन प्रोसेस इट इनपुट एंड गिव्स अस डिजायर्ड आउटपुट. मैंने आप क्लास में पढ़ाया था जैसा हम एक जूसर मिक्सर लाते हैं तो उसमें हम प्रोसेस डालते हैं वो इनपुट हो गया फिर हम उसको चलाते हैं वो प्रोसेसिंग हो गई फिर हम उसमें से जो जूस निकालते हैं जूस लेते हैं दैट इज आउटपुट. ठीक है यानी कंप्यूटर इनपुट लेता है इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है. कंप्यूटर दो पार्ट्स का बना होता है. देयर आर टू एसेंशियल थिंग्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एग्जैक्टली एक होता है हार्डवेयर और दूसरा इसका पार्ट है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. व्हाट इज हार्डवेयर जिसको हम देखते हैं वो पार्ट कंप्यूटर के जिनको हम छू सकते हैं. ठीक है जिनको हम छू सकते हैं हाथ में उठा सकते हैं दीज आर द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. और इन अदर वर्ड्स दीज आर द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. टेंजिबल यस सर. These are the tangible parts of the computer. Those parts of the computer which can be touched, they are the hardware parts of the computer. ठीक है तो हमारे hardware जो parts है computer में उनमें क्या आता है हमारा उनमें हमारा processor आता है. Input devices, CPU, memory, output devices. Processor. सीपीयू को हम बोलते हैं यानी जो हमें सीपीयू बोलते हैं उसी को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं. सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेसर. प्रोसेसर एक जनरल टर्म है. प्रोसेसर जनरल टर्म है और सीपीयू हम जब स्पेसिफिक बोलते हैं कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसमें मेमोरी आती है. ठीक है इसमें आईओ डिवाइसेस आते हैं. आईओ डिवाइसेस व्हाट आर आईओ डिवाइसेस यस सर. आईओ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस. फिर हमने पढ़ा कि प्रोसेसर के दो पार्ट्स होते हैं. There are two more parts of the processor. One is ALU. ALU. Arithmetic. And the other is CU. CU. Control unit. Yeah. One part of the computer is ALU, and the other part of the computer is CU. ALU means arithmetic and logic unit. Logic unit. Yes, sir. Arithmetic and लॉजिक यूनिट यानी जो सारा काम कंप्यूटर करता है वो यही यूनिट करता है. ALU सारा काम जो कंप्यूटर करता है वो ALU में ही होता है. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है ALU. तो फिर C हो गया कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट हाँ कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है फिर जो कंप्यूटर जो ऑपरेशंस करता है
इनको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। जैसे हमारे जिस्म पर दिमाग का राज होता है, दिमाग कंट्रोल करता है ना, ठीक है। हम जो काम करते हैं, आप इस वक्त लिखते हो हाथ से, ठीक है, तो कंट्रोल कौन करता है आपके हाथ को? आपका दिमाग कंट्रोल करता है ना, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है ना। इसी तरह कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट ALU। लेकिन इस ALU में जो ऑपरेटर होते हैं, इनको कंट्रोल करना CU का काम है, काम होता है जी सर, इसी का काम कंट्रोल करना तमाम कंप्यूटर सिस्टम को। ये हो गए हमारे प्रोसेसर के पार्ट्स, प्रोसेसर के पार्ट्स। अब रह गई मेमोरी। मेमोरी किस काम आती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी? इसमें हम अपनी ये स्टोरी या कुछ स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज है ना, मेमोरी स्टोरेज यूनिट। अब मेमोरी दो तरह की होती है, एक मेमोरी स्टोरेज मेमोरी, दूसरे है परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। मेमोरी स्टोरेज मेमोरी वो मेमोरी होते हैं जिसमें हम पार्ट टाइम के लिए काम करते वक्त डेटा को सेव रखते हैं, यानी अगर लाइट चली गई तो जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा, वो वहां नहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपका इस वक्त क्लास पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, जब मैं आपका क्लास ऑफ कर दूंगा तो जो मेमोरी में होगा यहाँ तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी में था, फिर मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, वो होगी टेम्पररी मेमोरी। तो दूसरी इसकी होती है परमानेंट मेमोरी, जिसमें हम सेव रखते हैं। जब हमने किसी चीज को सेव किया, फिर हम किसी वक्त भी उसको ओपन कर सकते हैं, उसमें एडिशन ऑल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह की मेमोरीज हमारे पास होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, परमानेंट मेमोरी एंड टेम्पररी मेमोरी। This is primary memory and this is secondary memory. Primary memory and secondary memory. That is, we have two types of memories, the primary memory and secondary memory. Primary memory and secondary memory. These are the types of memory. Primary memory हमारे दो types आते हैं फिर, क्या कौन कौन से types आते हैं primary memory में? Cache, RAM और एक आता है हमारा RAM और दूसरा आता है ROM. ROM, yes. RAM and ROM. ROM. रैम इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये फास्ट मेमोरी होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन ये मेमोरी वोलाटाइल होती है, वोलाटाइल मेमोरी। व्हाट डज वोलाटाइल मीन? वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा नहीं रह सकता है। जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो रैम में जो भी कुछ डेटा होगा वो खत्म हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। हाँ, इसका हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी भी, वर्किंग मेमोरी।
यानी जो भी हम काम करते हैं लिखते हैं वो इसी में हम लिखते हैं रैम में, जिस पर तुम कौन चीज खोला, आप एमएस वर्ड ओपन करते हो, आप नोट पैड ओपन करते हो, आप पेंट ओपन करते हो कंप्यूटर पे, जो आप फाइल लिखते हो वो आप इसी में लिखते हो, किस में, मेमोरी में, रैम में, रैम एक्सेस मेमोरी में लिखते हो, ठीक है। लेकिन जब पावर चला गया, आपने स्विच ऑफ कर दिया, इसमें अगर कोई डेटा होगा वो अनसेफ है, वो नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए जब भी आप कोई फाइल ओपन करे, कोई इम्पोर्टेंट फाइल हो, आप उसको ओपन करे, उसमें लिखो ये कुछ लिखना चाहते हो और उसको फिर आप परमानेंट उसको स्टोर करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, आप उस मेमोरी को, आप उस डेटा को सेव करेंगे साथ साथ में। समझ गए मेरे बात? जी सर। आपने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक, आपने पेंट ओपन किया, आप पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, ठीक है, मेहनत की, आपने पेंटिंग बनाई, ठीक, 15-20 मिनट के बाद लाइट चली गई, आपका जो ये लैपटॉप है या जो आपका सिस्टम है वो स्विच ऑफ हो गया, तो आपका आपकी सारी मेहनत जाया होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप कोई इम्पोर्टेंट फाइल बनाओगे तो आप उसको साथ साथ में सेव करोगे, ठीक है। अगर आप वर्ड में काम करते हो, वर्ड में कोई चीज बनाते हो, तो F2 से आप साथ साथ में सेव कर सकते हो, शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की F2 सेव करने के लिए। अंडरस्टैंड मी? हाँ, आप साथ साथ में सेव करोगे और सेव करने से आपका डेटा वॉश होने से बच जाएगा, यानी ये रैम का काम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हम जो लिखते हैं इसी में लिखते हैं। फिर रैम के दो टाइप्स हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक इसका टाइप है, होता है डी रैम, डायनामिक रैम, और दूसरा टाइप इसका होता है एस रैम, स्टैटिक रैम, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द रैम। चलिए अब आप रोम पे चले जाते हैं। रोम की कितने टाइप्स हैं? तीन, रीड ओनली मेमोरी, एक हो गया पी रोम, रीड ओनली मेमोरी पी रोम, हाँ, दूसरा हो गया ईपी रोम, ईपी रोम, हाँ, तीसरा हो गया ईपी रोम। पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, पी रोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम हो गया इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ईपी रोम हो गया इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रैम की रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी, यानी वो मेमोरी जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। दैट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी रीड ओनली इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, समझ गए ना? यानी जब आप रैम में काम करते हैं आप कोई चीज डिलीट भी कर सकते हैं, कोई चीज लिख भी सकते हो, लेकिन रोम क्या है, आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो। तो फिर रोम का क्या काम है, अगर आप अगर हम इसमें नहीं लिख सकते हैं तो क्या रीड करते हैं इसमें? हमारे जो कंप्यूटर है इसकी मेमोरी जो होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये मान लिया हमारी मेमोरी है, ये मेमोरी का मेमोरी मैप, ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसी मेमोरी, ऐसी मेमोरी नहीं होती है, मैं ऐसे आपको बता, चाहे ये मेमोरी है हमारी कंप्यूटर की, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट उसका रैम होता है, क्या होता है, रैम, दूसरा पार्ट उसका होता है रोम, एक पार्ट होता है रैम और दूसरा पार्ट होता है रोम। हमने अभी पार्ट लिया जो रैम होता है, इसमें लिखते हैं जो भी काम करते हैं इसमें कहते हैं, इस मेमोरी में कहते हैं, हो गई ठीक, ठीक है। फिर ये गया रोम, इस रोम को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं,
जैसे आप लिख नहीं सकते। हाँ, जैसे आप बाजार जाते हो, कोई सीरियल लाते हो, सॉन्ग्स की सीरियल लाते हो, आप वो सॉन्ग सिर्फ सुन सकते हो, देख सकते हो अगर वो मूवी है, ठीक है, लेकिन आप ऐड या डिलीट नहीं कर सकते हो। कर सकते हो सर? नहीं कर सकते है ना, दैट इज रीड ऑनली, उसी का मतलब होता है रीड ऑनली, ठीक है, जिस तरह कोई चीज ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, दैट इज रीड ऑनली। इसी तरह जो रॉम होता है, ये रीड ऑनली मेमोरी है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, एंड दोज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सब रूटीन्स, दोज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सब रूटीन्स, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम इसमें होते हैं, रॉम पे होते हैं, लिखे होते हैं, और वो छोटे छोटे प्रोग्राम कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। जब आप कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हो ना, आप उसका बटन दबाते, कंप्यूटर का कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, तो सारा डेटा जो होता है वो किस में होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम यहाँ रॉम में होते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं, वो रैम में आ जाते हैं। अगर वो प्रोग्राम नहीं होते तो आप अगर लाख बार भी अपने कंप्यूटर की स्विच दबाते हो तो वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। उन प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं सर? किसको? इन्हीं जो रॉम में प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम, उनको क्या बोलते हैं? SUB, सब routines, सब रूटीन्स, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, यानी इनका काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, इसलिए रीड ऑनली है, इनका काम अपना है, साथ कंप्यूटर को स्टार्ट किया फिर कुछ उनका काम नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसके तीन टाइप्स हैं, एक हो गया इसका पीरॉम, पीरॉम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। देखिए ये रीड ऑनली मेमोरी क्या होती है, ये रोम जो होता है, अगर ये एक बार खराब हो गया तो फिर हम इसको ठीक नहीं कर सकते, इसको हमें थ्रो करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कंप्यूटर में रोम है, अगर ये पी रोम है, मान लीजिए पी रोम है, अगर ये पी रोम खराब हो गया तो हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, इसमें से नई मेमोरी उसको फेंकना है और आपको इसमें नई मेमोरी एड करनी है, ठीक है, नया लाइन, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी सिर्फ हम तब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये ठीक है, ये खराब हो गया तो फिर हमें इसको रिप्लेस करना है, इससे इस जगह नई मेमोरी लगानी है, तभी ये काम करेगा। इसके बाद है EPROM, इरेसेबल इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेसेबल ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी रॉम, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी ये मेमोरी जो होती है अगर ये खराब हो जाती है तो हम इसको इरेज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, यानी इसको हम ठीक कर सकते हैं, कौन सी मेमोरी, EPROM को हम ठीक कर सकते हैं अगर ये खराब हो जाएगी, अगर पी रॉम है, अगर खराब हो गई तो खराब हो गई, ठीक नहीं हो सकती है, जो EPROM है इसको हम ठीक कर सकते हैं, मगर कैसे, वी यूज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, क्या इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टू इरेज द EPROM, हम इसको ठीक कर सकते हैं, हम यूवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको इरेज कर सकते हैं और इस पे दोबारा फिर लिख सकते हैं, समझ आ गई बात,
यस सर। हाँ, अगर प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है तो एक बार खराब हो गई ठीक नहीं हो सकती है। अगर ईपी रॉम है, अगर खराब हो गई तो हम उसको इरेज कर सकते हैं। कैसे इरेज कर सकते हैं? वो यूज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसकी मदद इसको जला सकते हैं, फिर इसके ऊपर हम नया प्रोग्राम इसे ऐड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड मी? ओके। इसके बाद है ईपीरॉम, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये मेमोरी, अगर इस टाइप की मेमोरी आपके कंप्यूटर में है और वो खराब हो जाए तो हम इसको भी ठीक कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी डिफर्स, लेकिन टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। या हम अल्ट्रा वायलेट इस्तेमाल करते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली। समझ गई बात? काम तो एक ही है, सिर्फ इरेज करने की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। ईपी रॉम में इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और यहां हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी इसको हम इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। ठीक, तीन टाइप में पी रॉम, ईपी रॉम और ईपी रॉम। ये हो गया हमारा हार्डवेयर पार्ट, दिस इज आवर हार्डवेयर पार्ट। ओ, प्राइमरी का दूसरा पार्ट है ना, सेकेंडरी जी। तो हाँ, पहले वो पढ़ेंगे फिर जाएंगे। हाँ, ये जो कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी हम सेकेंडरी मेमोरी पर नहीं आ गए। ठीक है, दिस इज प्राइमरी मेमोरी एंड दिस इज द हार्डवेयर पार्ट, हार्डवेयर पार्ट, और हम प्राइमरी मेमोरी। अब हम आएंगे सेकेंडरी मेमोरी पे, सेकेंडरी मेमोरी पे। हमने पढ़ा हमारी जो मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी होती है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं मेमोरी के। एक है हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया मेमोरी के। मेमोरी के हो गया ये प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी हो गई सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आपने पढ़ दिया। प्राइमरी मेमोरी क्या क्या आते हैं जी सर? अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम परमानेंट कोई चीज स्टोर कर सकते हैं। कोई चीज परमानेंट को स्टोर करनी है तो हम उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे जो स्टैंडर्ड सेकेंडरी मेमोरी है वो है हार्ड डिस्क। जी सर, हार्ड डिस्क, एचडीडी, हार्ड ड्राइव डिस्क। हाँ, हार्ड, या इसको बोलते हैं एचडीडी, भी हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। जी सर, हार्ड डिस्क ड्राइव, आम आम में इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। अगर कंप्यूटर वाले को बोलेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव तो परेशान हो जाएगा। अगर कोई बेचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। और हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी में आता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो सीडी आप बाजार से लाते हो। और एक इसमें आता है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। हाँ, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क।
डिजिटल वर्सटाइल सीडी और डीवीडी में क्या फर्क है मैं भी बताऊंगा, और इसके बाद है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जी सर। हाँ पेन ड्राइव भी हार्ड डिस्क मानी जाती है। इसके बाद है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क These are the different types of secondary memories we use in computers. जी सर। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये आपके कंप्यूटर में लगी होती है। What is hard disk drive? It is platter of disks. Hard disk drive क्या चाह सर? मैं आपको फिजिकल इसकी बता एपरेंस। इसे आप डिस्क आसा, इसके ऊपर दूसरी डिस्क होती है, इसके ऊपर दूसरी ब्याग डिस्क आसा, ब्याग डिस्क पे आसा। बीच में इनमें स्पिंडल होता है, अच्छा स्पिंडल आसन, स्पिंडल को खुला मंज आसन, ठीक, जो उसको उनको रोटेट करता है, डिस्क का पैटर्न पेट, वाले डिस्क आसन, प्लेटर ऑफ डिस्क, आप जैसे पांच जैसे छह डिस्क वगैरह लगा आप किस पे, ठीक है, तो इसी को हम फिर एक केस में बंद करते हैं, इसी को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव इसी को बोलते हैं। तो हम जो फाइल स्टोर करते हैं, जब हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो सेव करने के बाद कहाँ रह जाती है? When we save any file, it gets stored in HDD. किसमें स्टोर होती है? HDD में, हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव डिफरेंट कैपेसिटीज की होती है, वो आपकी मर्जी है आप कितनी बड़ी हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में रखोगे, ठीक है। तो मिनिमम जो आती है आज आते हैं, मिनिमम जो आते हैं आज है 500 GB, ठीक है। और जो अच्छे कंप्यूटर होते हैं उनमें आ जाती है 1 TB हार्ड डिस्क। हाउ मच इज 1 TB? 1 TB कितना होता है? 1 TB इज 1024 GB। 1024 GB मिलके एक टीबी बनाते हैं, टेराबाइट। टीबी मीन्स टेराबाइट, जीबी मीन्स गीगाबाइट। यू नो आई सेड व्हिच इज जीबी, व्हिच इज जीबी इज अ मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये दीज आर द यूनिट्स ऑफ द मेमोरी, ये मेमोरी के यूनिट्स होते हैं, ये बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है, इसके वो पेटाबाइट होता है, वो अभी नहीं आई है बाजार में पेटाबाइट मेमोरी, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में रहती है, हार्ड डिस्क में रहती है। इसके बाद है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क दो तरह की होती है, एक कंपैक्ट डिस्क होती है सीडीआर, कैसे सीडीआर इसको बोलते हैं सीडीआर, और दूसरी कंपैक्ट डिस्क हमारे पास होती है सीडीडब्ल्यूआर। समझ आ रहा आपको सबको? यस सर। मोहसिना आप सुन रहे हो? ओके हमारे पास दो तरह की कंपैक्ट डिस्क होती है, एक होती है सीडीआर, दूसरे सीडीडब्ल्यूआर। ये होते हैं कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली, ये हो गया कंपैक्ट डिस्क रिराइटेबल, ये हो गया कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली, ये हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। बाजार में दो तरह की सीडी आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक डिस्क इसमें आती है, वो डिस्क है दैट इज ब्लैंक डिस्क, जो आपको बाजार में मिलती है। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप ब्लैंक डिस्क से भी इस पे लिख सकते हो।
हमारे पास सिर्फ एक मिनट बच गया है, मैं बेहतर कंक्लूड कर देंगे हम। ठीक है, क्या पढ़ा हमने आज? कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ा। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हार्डवेयर में क्या क्या आता है? हार्डवेयर में आता है मेमोरी यूनिट आता है, और क्या आता है? आईओ डिवाइसेस, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। सीपीयू एंड मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लॉजिक यूनिट जिसमें सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी में आता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम, मेमोरी और रोम, सॉरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रीड ऑनली मेमोरी। क्योंकि आप काम करते हैं, लिखते हैं, वो हम रैम में करते हैं, लेकिन रैम में जो भी हम लिखते हैं वो सेव नहीं होता है। ठीक है, वो गलत है।